खबर आप सभी को बता दूं कि गोदाम में खड़े हुए वाहनों के अंदर अचानक से आग लग गई और इस आग के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि आग लगने के कारण काफी हद तक नुकसान होता हुआ नजर आया है। ये नुकसान कितना हुआ है और आग कहां पर लगी है सीधा दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में राधा किशनपुरा स्थित टैगोर स्कूल के पास शाम को अज्ञात कारणों से एक गोदाम में खड़े वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दो वैन, गाड़ी और एक स्कूटर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आग मकान में बने गोदाम तक पहुंच गई, जिसके बाद गोदाम में रखा माल भी जल गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल को दी। करीब एक घंटे से लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया था। आग में करीब 10 लाख रुपए का माल और तीनों वाहनों का नुकसान हुआ है। लोगों का आरोप है कि दमकल सूचना देने के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिसके चलते ही आग ने विकराल रूप धारण किया। उद्योग नगर थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि राधा किशनपुरा इलाके में टैगोर स्कूल के पास में एक आवासीय मकान में पार्किंग एरिया में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें वहां खड़ी एक मारुति वैन और स्कूटी पूरी तरह से जल गई। स्थानीय लोग और दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जांगिड़ ने बताया कि मकान मालिक ने घर के बाहर ही एक परचून की दुकान भी बनाई हुई है, जिसका कुछ सामान गाड़ियों में रखा हुआ था। इसके साथ ही गोदाम तक आग पहुंच गई, जिससे भी सामान जल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और मकान में रहने वाले विनोद अग्रवाल ने बताया कि सुशील अग्रवाल और अशोक अग्रवाल दोनों भाई हैं, जिन्होंने अपने घर में ही परचून की दुकान भी खोली है। साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी माल की सप्लाई करते हैं। शाम को घर में खड़ी दो वैन और एक स्कूटी में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग से तीनों वाहन पूरी तरह से जल गए और वैन में करीब 5 लाख का माल भी रखा हुआ था। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।